आदाब नाजरीन, जैन टीवी में आपका इस्तकबाल है। भारतीय जनता पार्टी के रियासती माइनॉरिटी मोर्चा के स्टेट सेक्रेटरी डॉक्टर शाहीन अब्बास ने मस्की का दौरा करते हुए पार्टी कायदीन से मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने सहाफियों से खिताब करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें तमाम मजहब के लोगों को साथ लेकर और इन्हें आगे बढ़ाने का अज़म रखती है। इस मौके पर मस्की तालुक़े की बीजेपी पार्टी के अखिलियती कायदीन भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं डॉक्टर शाहीन अब्बास मस्की में फर्स्ट टाइम आई हूँ। प्रताप गौड़ा पाटिल सर का जो MLA के लिए वो हुआ है उसके प्रचार के लिए, आज तक जो माइनॉरिटीज़ के बारे में एक डर बिठाया गया है लोगों को, माइनॉरिटीज़ को जिस तरीके से डराया गया है, तो आप लोग जो है हमारे सर को जिता के लाने के बाद में ये सब कन्फ्यूजन आप लोगों की दूर हो जाएगी। जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि हाथ ने हमेशा पब्लिक को हाथ दिया है, इसको मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से ठोकर खाते हुए आ रहे हैं, हम अब के ये नहीं चाहेंगे कि फिर एक बार हमको ठोकर लगे। जब तक ये आवाम बोलना नहीं सीखेगी तो कोई उनकी आवाज़ सुनने वाला नहीं होगा। आवाम को चाहिए कि एक हो जाए और अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करें। जब आवाज़ उठाओगे तो चार लोग सुनने वाले रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये एक ऐसा मंच है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा एक मंच है जो आप लोगों को आप लोगों की एबिलिटी दिखाने का, आप लोगों की ताकत दिखाने का एक मौका दे रही है। माइनॉरिटीज़ को हमें आप लोगों की ताकत दिखाने का एक मौका दे रही है। माइनॉरिटीज़ को हमेशा सपोर्ट किया है भारतीय जनता पार्टी ने, इस बार भरोसा करते हुए आप प्रताप गौड़ा पाटिल सर को भारी वोटों से जिता के लाइए, मेहनत कीजिए, उनके लिए आगे बढ़िए, तो उसके बाद आप रिजल्ट खुद ब खुद देखोगे। और सर का चेहरा कोई अननोन पर्सन नहीं है, वो उनको पब्लिक अच्छे से जानती है, वो आज पहले भी MLA रह चुके हैं तो उनको पब्लिक अच्छे से जानती है। तो आप लोगों को जो है इस बार मेहनत करके अपने वफादारी का एक सबूत देना। कुछ पूछना चाह रहे हैं आप लोग? पूछने क्या नहीं मैडम, हमें पूछना चाहे कुछ, हमारे काम को क्या भी नहीं करेंगे। जोर से बोलिए थोड़ा। हमारे काम को क्या भी नहीं बेनिफिट होता वो पार्टी में, बल्कि कौन सी पार्टी है? बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है। ऊपर से आप देखते हुए आइए, कहीं पर भी इस पार्टी ने किसी को धोखा नहीं दिया है। प्रताप गौड़ा पार्टी को अब 3 महीने 4 महीने पीछे आए, सुन 10 साल कांग्रेस में थे, हम भी उनके फॉलोअर्स। 10 साल कांग्रेस में क्या क्या बेनिफिट किया आपने? इन्हों क्या दिया उनका ना? अब कुमार पार्टी नहीं, उनका क्या ही रहता बोले तो प्रताप गौड़ा कहाँ रहता वहाँ रहते उनके उनका ही। बस बस फेस देखिया, प्रताप गौड़ा नहीं उनका क्या ही रहता बोले तो प्रताप गौड़ा कहाँ रहता वहाँ रहते उनके उनका ही। बस बस फेस देखिया, प्रताप गौड़ा का हमने क्या भी नहीं, हमें आते हम कांग्रेस थे बीजेपी। बीजेपी क्या भी नहीं करे ना, हमारे लोग हम वास्ते बोल रहे हैं, आप प्रताप गौड़ा वास्ते इंडिपेंडेंट है, हमें सपोर्ट करते। आपने बीजेपी से कुछ पूछा है आज तक? नहीं पूछे, हमने सपोर्ट नहीं दे रहे। तो यही है ना, आप पूछिए, पहले पूछिए उसके बाद देखिए दे रहे नहीं दे रहे, समझ रहे ना? बोलना सीखो मेरे भाई, बोलना सीखोगे तो आवाज़ दूर तक जाएंगी, अपने दिल में रख लोगे तो कुछ नहीं होगा। बोलिए, पूछे नहीं उन्होंने दिए नहीं तो पूछो, बोल रहे मैडम पूछो, हर चीज पूछने का अधिकार है आपको, ठीक है? और कोई क्वेश्चन? नहीं।